अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे शमीर और मायरा की शादी हो जाएगी, लेकिन कैसे आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अब क्योंकि ज़फ़र की मौत हो चुकी है, इस ड्रामे में ज़फ़र की मौत इसीलिए हुई है कि शमीर और मायरा की शादी हो सके, लेकिन अब बीच में है आयशा। अब आयशा के साथ क्या होगा, यहाँ तो आयशा की भी मौत हो जाएगी या फिर आयशा ही मायरा को इस बात पे राज़ी करेगी कि वह शमीर से शादी करना चाहती है, क्योंकि मायरा आयशा का घर बर्बाद करके अपना घर आबाद नहीं करेगी। लेकिन आप देखेंगे कि अब शमीर और मायरा की शादी भी ज़रूर होगी, और दूसरी जानिब जावेद को राबिया की असलियत मालूम हो जाएगी, क्योंकि राबिया शाहिना से कह रही होती है कि मैंने बड़ी चालाकी के साथ तुम्हारा घर बर्बाद किया है और जावेद से शादी की है। वो ये सारी बातें कर रही होगी कि जावेद ये सारी बातें सुन लेगा, वो राबिया को उसी वक्त तलाक दे देगा। और अब क्योंकि शाहिना को अपनी तमाम गलतियों का एहसास हो चुका है, इसलिए जावेद शाहिना के साथ पहले जैसी ज़िंदगी बसर करने लग जाएगा। और दूसरी जानिब आप देखेंगे कि एमन भी अली के साथ चली गई है, और अली को भी एमन के घर वालों ने माफ़ कर दिया है, और अब इस ड्रामे का एंड होने वाला है, क्योंकि सारे किरदार अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। बस अब शमीर और मायरा की शादी बाकी रह गई है। जी नाज़रीन, आपके ख्याल में क्या ऐसा ही होना चाहिए था? हमसे अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें, और मज़ीद पाकिस्तानी ड्रामास की अपडेट हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।